कोविड-19 महामारी ने देश के सभी व्यवसायों की कमर तोड़ कर रख दी है। कोरोना वायरस के चलते ऑटो सेक्टर की हालत सबसे ज्यादा खराब हुई है। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अप्रैल महीने में अब तक कोई भी कार नहीं बेची गई है। इतिहास में ये पहला ऐसा मौका है जब एक भी कार की बिक्री नहीं हुई हो। देश में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड से लेकर लग्जरी कार बेचने वाली मर्सिडीज स्कोडा तक सभी का ऐसा ही हाल रहा। आंकड़ों के मुताबिक बीते महीने घरेलू बाजार में देश की दिग्गज कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की एक भी कार की बिक्री नहीं हुई। ऐसा पहली बार हुआ है कि अप्रैल में मारुति सुजुकी ने एक भी गाड़ी की बिक्री नहीं की। इस बारे में मारुति सुजुकी के आरसी भार्गव, टीवीएस मोटर्स के वेणु श्रीनिवासन, महिंद्रा एंड महिंद्रा के पवन गोयनका और दूसरे लीडिंग ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि मई महीने में भी बिक्री में सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। इस वजह से ऑटो सेक्टर को लंबे समय तक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव का कहना है कि मई में भी इसी तरह के हालात रहने की उम्मीद है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि कोविड-19 का वायरस कैसे प्रोग्रेस करता है। आपको बता दें कि मारुति सुजुकी इंडिया और टाटा के साथ सभी कंपनियों के शोरूम बंद हैं। बता दें कि देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लगा था, जिसके बाद से सभी शोरूम बंद हैं। 21 दिन के लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया। देश की ऑटो इंडस्ट्री प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 40 मिलियन यानी करीबन 4 करोड़ लोगों को रोजगार देती है। वहीं ये देश की जीडीपी में 8% और सरकार के टैक्स कलेक्शन में 15% का योगदान देती है। सरकार ने कोविड-19 हॉटस्पॉट के बाहर रहने वाली फैक्ट्रियों को शुरू करने की परमिशन दे दी थी, लेकिन ऑटोमेकर्स कंपनियों ने अभी अपने प्लांट को शुरू करना सही नहीं समझा। वे स्थिति के सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। ऑटो सेक्टर में देश की सबसे ज्यादा रसूखदार कंपनी मारुति सुजुकी की मार्च की स्थिति पे अगर गौर करें तो मार्च में मारुति की बिक्री 47% घटकर 83,792 इकाई रह गई। कंपनी ने बताया है कि इसकी घरेलू बिक्री मार्च 2019 की 147,613 इकाइयों की तुलना में 46.4% घटकर मार्च 2020 में 79,080 इकाई रह गई। इस दौरान ऑल्टो और वैगनर जैसी छोटी कारों की बिक्री 15,988 इकाई रही, जो पिछले साल इसी महीने में 16,826 इकाई थी। इस तरह मार्च में छोटी कारों की बिक्री में 5% की कमी आई। स्विफ्ट, सेलेरियो, इग्निस, बलेनो और डिजायर जैसे मॉडल वाली कॉम्पैक्ट कारों की बिक्री 50.9% घटकर 40,519 इकाई रही थी। कंपनी के मुताबिक मार्च में निर्यात में भी 55% की कमी आई है, लेकिन अप्रैल तो और भी बुरा साबित हुआ। कोरोना वायरस ने अपना असर मार्च में दिखाना शुरू कर दिया था। ऐसे में मार्च से ही कारों की बिक्री प्रभावित होने लग गई थी। देश में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी मारुति सुजुकी और हुंडई जैसी कार कंपनियों की बिक्री में 46% की गिरावट आई। ये पहला ऐसा महीना रहा जब एक भी कार की बिक्री नहीं हो पाई, जबकि फरवरी के ऑटो एक्सपो में 2020 इवेंट के दौरान मारुति के साथ कई कंपनियों ने अपने नए मॉडल्स को शोकेश किया था। लेकिन अप्रैल आते आते ये महीना ऑटो सेक्टर पर भारी पड़ता दिखा। मई महीने में क्या उम्मीद की जा सकती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।